नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन कारणों के बारे में, उन अनुभवों के बारे में, उन लक्षण व संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के साथ हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके हर कदम पर आपके साथ चलती हैं। तो आप लोग कैसे जान सकते हैं? देखिए, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वे आपको भक्ति से भी प्राप्त हो जाती हैं। जैसे आप अपने इष्ट देव को मानते हों और आप उनकी भक्ति करते हों, उनकी भक्ति कृपा अनुसार देवी देवता आपको वो शक्तियाँ प्रदान करा देते हैं, जिससे आप अपनी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ औरों की परेशानियों को समझ सकें, उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। क्योंकि ईश्वर आपके द्वारा जन कल्याण का कार्य कराना चाहते हैं, वो आप लोगों को अपनी ऊर्जा देना चाहते हैं। ऐसे ही काफ़ी साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपने इष्ट देव की आराधना की होती है, लेकिन उन्हें पिछले जन्म में कोई भी फल उसका नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके बुरे कर्मों के अनुसार आपके जो बुरे कर्म होते हैं वो पिछले जन्म में कट जाते हैं। और आप लोग पिछले जन्म में यह सोच रहे होंगे कि आपको अभी भी पूजा करके दिव्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं हुई, आपको कोई फल नहीं मिला, तो इसलिए पिछले जन्म में आपके बुरे कर्म जब दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो इस जन्म में वही देवता जिनकी आपने पिछले जन्म में आराधना की है, जिनकी भक्ति की है, जिनकी सेवा की है, तो वही देवता इस जन्म में आप लोगों को वो दिव्य शक्तियाँ प्रदान करा देते हैं, ताकि आप लोग औरों की समस्याओं को दूर कर सकें। अक्सर ऐसा उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो दूसरों की समस्याओं को समझते हों, जो किसी से भी घृणा न करते हों, जिनके अंदर क्रोध बहुत ही ज़्यादा कम हो, जो औरों के दर्द को सहन न कर पाते हों। तो अगर आपके साथ भी ये दिव्य शक्तियाँ हैं तो आप लोगों को जन्म से ही संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को सबसे पहला संकेत आपके जन्म पर ही मिल जाता है। जब कोई ऐसा साधक जन्म लेता है जिसके साथ में दिव्य शक्तियाँ होती हैं, तो उस साधक के मस्तिष्क पर एक खिंचाव, साथ में एक हल्का सा प्रकाश जन्म होते ही नजर आना शुरू हो जाता है। या फिर कोई ऐसा निशान जो उसके मस्तिष्क में शुरुआत से ही होता है, उसी निशान के कारण जब वह व्यक्ति अपनी उसमें आता रहता है, मतलब बड़ा होता रहता है, अपनी आयु अनुसार उसका शारीरिक बदलाव होता है, तो वह निशान गायब हो जाता है। लेकिन उसके मस्तिष्क में हर समय पर जब भी वो आंख बंद करके उस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएगा, तो वहाँ पर एक खिंचाव उस व्यक्ति को महसूस होता रहता है। साथ में ऐसे व्यक्ति का जो ध्यान है वह बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, वो अपनी शक्ति के अनुसार, उसी दिव्य शक्तियों के अनुसार अपने गहरे ध्यान में प्रवेश कभी भी कर सकता है। ऐसे साधकों को कभी भी गहरा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या? क्योंकि गहरे ध्यान में जाने के लिए ऐसा व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ ध्यान में जा सकता है, सोते हुए ध्यान में जा सकता है, लेटे हुए ध्यान में जा सकता है, बैठे हुए ध्यान में जा सकता है। अक्सर ऐसे व्यक्तियों का जो ज़्यादा समय है वो ध्यान के समय में ही बीतता है। इसी प्रकार ऐसे साधकों के साथ अनेकों देवी देवताओं की शक्तियाँ चल रही होती हैं, अनेकों देवता ऐसे व्यक्ति के संपर्क में होते हैं। अक्सर ऐसे लोगों की सहायता भी देवता बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जैसे आपके जीवन में अचानक ही कोई ना कोई परेशानी आ जाए, आप लोगों को कोई भी रास्ता उस परेशानी से बाहर निकलने का अगर नहीं मिलता, तो देवी देवता आपकी उन परेशानियों को सपने में आकर बताना शुरू कर देते हैं। सपने में आप लोगों को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे वो समस्याएं आप लोगों की दूर होती हुई चली जाती हैं, या फिर उस समस्या का जो निवारण है वो आप लोगों को सपनों के द्वारा ही मिलना शुरू हो जाता है। और अक्सर ऐसे साधकों को देवी देवताओं की तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा नजर आती हैं, देवी देवताओं के मंदिर ऐसे व्यक्तियों को सपनों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा
नजर आना शुरू हो जाते हैं। देवी देवताओं के मंदिर नजर आते हैं, साथ में देवी देवताओं की तस्वीरें ऐसे साधकों को बहुत ही ज़्यादा नजर आती हैं। काफ़ी बार तो जब वो ध्यान में होते हैं उन्हें एक ज्योति, एक प्रकाश उन लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है। प्रकाश उनकी ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वह गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे वह प्रकाश भी उनके तीव्र गति के अनुसार ध्यान में नजर आना शुरू हो जाता है। साथ में काफ़ी बार ऐसे साधकों को ज्योति भी नज़र आ सकती है। जलती हुई ज्योति का बार बार नज़र आना भी यह संकेत देता है कि आपके साथ में कोई ना कोई दिव्य शक्तियाँ जरूर चल रही हैं, जिसके कारण आप लोगों को अनेकों अनुभव हो रहे हैं ध्यान के मार्ग पर। काफ़ी बार ऐसे साधकों को नींद में झटके भी पड़ सकते हैं, सोते सोते उनके ध्यान में एक प्रकाश अपने आप ही नज़र आना शुरू हो जाता है। ध्यान सोते सोते प्रकाश नज़र आ सकता है, बहुत ही तीव्र प्रकाश, जिसकी वजह से उनके कानों में व सर में पीड़ा हो सकती है। अक्सर ऐसे साधकों को बहुत ही ज़्यादा अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता रहता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो उनका साथ दे रही है। कोई ना कोई शक्ति उनके साथ जब चलना शुरू होती है तो उन लोगों को इस प्रकार के अनुभव होते हैं, जैसे काफ़ी बार ब्रह्म मुहूर्त के समय में नींद खुल जाना। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच होता है। उस समय में उनकी नींद अपने आप टूटनी शुरू हो जाती है। साथ में बांसुरी की धुन सुनाई दे सकती है ध्यान में भी और ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी। साथ में सोते सोते आप लोगों को एक चलती हुई जैसे पानी है या बहता पानी, हरी भरी पहाड़ियाँ, यह सब दिखना भी शुरू हो जाता है। साथ में आप लोगों को धुन सुनाई दे सकती है, जैसे ओम सुनाई दे सकता है, ओम की धुन सुनाई दे सकती है, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ आप लोगों के कानों में पड़ सकती है। तो इस प्रकार के बहुत से अनुभव आप लोगों के साथ अगर होते हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं। काफ़ी बार हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर हमें आनंद आता है, वहाँ पर जाने के बाद हमारी आंखों से आंसू आना, मुख से उबासियाँ निकलना, वह किसी मंदिर में जाकर अपनेपन का एहसास होना भी यह दर्शाता है कि आपके साथ उन देवी देवताओं की दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। इसी के साथ अगर किसी साधक के साथ ऐसा हो रहा है, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वह जानना चाहता है कि उनके साथ किस देवता की शक्ति है या फिर घर में कोई परेशानी है, कोई समस्याएँ हैं, तो वह हमसे बात कर सकता है। बात करने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, वह समस्या का समाधान तुरंत जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।